केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। मुख्य चुनाव अधिसूचना तो जारी हो ही चुकी है, बहुत जल्द मतदान भी शुरू हो चुके होंगे। लोग भी चाहते हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग करके वो ऐसे प्रत्याशी को जिताएं जो वाकई में काबिल हो, जो वाकई में अपने विकास का ना सोचे, ग्राम के विकास का सोचे। इसी क्रम में हमारी टीम भी क्षेत्र में जा रही है, विभिन्न पंचायतों में जा रही है, प्रत्याशियों से, लोगों से बात कर रही है। हमारी टीम पहुंची जगदीशपुर पंचायत, जहां के वर्तमान वार्ड संख्या 8 के वार्ड सदस्य और अभी वार्ड संख्या 8 से ही वार्ड सदस्य के प्रत्याशी हरेराम महतो से बातचीत की। उन्होंने कई काम पूर्व में किए हैं, आगे भी कई काम, कई रणनीतियां लेकर आए हैं। क्या कुछ कार्य हैं, क्या कुछ उनसे बातचीत हुई है, आइए देखते हैं। क्या नाम है आपका? हरेराम महतो। ये कौन सा पंचायत है? जगदीशपुर पंचायत। आप किस वार्ड में है अभी? 8 नंबर वार्ड में। आप पूर्व में भी चुनाव जीत चुके हैं? हाँ, इस बार अभी हम पहले जीते हुए, वर्तमान में भी हैं। तो आपके 5 साल के कार्यकाल को आप बताएं कि आपने 5 साल में क्या क्या काम किया है वार्ड में। देखिए, 5 साल में तो कहा जाए तो 5 साल पूरी तरह से समय नहीं मिल पाया, और जहाँ तक मुझे समय मिला तो हमने अपने वार्डों में 4-5 रोड बनाए, गली नाली भी बनाए। जहाँ तक लोगों का समस्या था, पानी मतलब सड़क पे जमा हो जाता था तो बड़ी परेशानी होती थी हमारे जनता को आने जाने में, तो हमने वहाँ पे रोड बनाने का काम किया और जनता भी वहाँ बढ़िया से चल रहे हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपके वार्ड में जल नल का क्या काम आपने कराया? देखिए, मेरे वार्ड में जल नल का काम सरकार ने हमको नहीं दिया है, ये PhD विभाग को दे दिया। अच्छा, तो आपके द्वारा काम नहीं है? जी नहीं। आप और अपना काम बताएं कि आपने 5 साल में क्या किया, या ऐसा कोई काम बताएं जो कि आप 5 साल रह करके भी नहीं कर पाए, उस बात का आपको मलाल अभी भी है? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि 5 साल जो हमने रहा इस वार्ड सदस्य पद पे, तो चूँकि इधर कोरोना काल में हमको थोड़ा सा 2 साल समय लॉस हुआ, और भी हमने बहुत काम सोचा था कि समाज में करें, विकास करें, कुछ काम रुक गया है, उसके वजह से थोड़ा सा जनता भी थोड़ा सा लग रहा है कि किया नहीं, लेकिन ये कोरोना के लिए कि हम उस काम को पूरा नहीं कर पाए। और मेरी जनता से अपील यही है कि इस बार फिर मौका दे, फिर मैं उसे बोलने का मौका कभी नहीं दूंगा। आप वार्ड सदस्य रहे हैं और अपने वार्ड में बहुत सा काम भी आपने किया है, जो आपने गिनाया है, अब आगामी सत्र में आप क्या वादा करना चाहते हैं अपने वार्ड के लोगों से या वार्ड की जनता से? देखिए, लोगों से मैं क्या बोलूँ, 5 साल के दरमियान में मैंने लोगों को, ऐसा नहीं होगा कि कोई काम छूट गया है, अगर वो छूटा है तो उसके लिए थोड़ा समय ही हो, लेकिन जो छूट गया अभी तक में, मैं उस काम को पूरा करने का काम करूंगा। आपने बताया कि कोविड में 2 साल आपको मौका नहीं मिल पाया, क्या इस बात का आपको दुख है कि यहाँ 2 साल हम काम नहीं कर पाए? जी जी, इस बात का तो मुझे दुख है, बहुत सारा अभी गली जो छोटा छोटा था वो बच गया, ये कोविड के कारण मुझे समय नहीं मिल पाया, सरकार ने मुझे साथ नहीं दे पाए, इसके लिए हम उस काम को कर नहीं पाए। तो जनता से अब आपका क्या अभी पहल होगा कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे? जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो काम अभी तक हमने नहीं कर पाए, मैं उस काम करने का पूरा काम करूँगा, बाकी उसका मुझे दोबारा आशीर्वाद चाहिए, मौका मिले मुझे काम करने का। जनता तो जान ही रहा है कि हमने 5 साल के दरमियान काम मैंने क्या किया। अच्छा, आपने वृद्धा पेंशन वगैरह के लिए भी कोई काम किया? जी जी, वृद्धा पेंशन जहाँ तक की सवाल है तो हमने अभी तक में वृद्धा और विधवा कम से कम नहीं तो 60-70 तो पास कर लिया। आप अपने स्तर से करवाए? जी जी, आप अपने वार्ड के लोग अपने घर पे बुलाते थे, उसको फार्म वगैरह से भरवा के निःशुल्क, कोई पैसा नहीं, फिर उसको गाड़ी पे बैठा के अपना बाइक पे जाके ब्लॉक में फार्म जमा करवाते थे, फिर उनको सुरक्षित घर पे पहुँचाते थे, और फिर उनके
जनता का बहुत सा ऐसा शिकायत भी रहता है कि जो भी वार्ड सदस्य बनते हैं तो वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो उस पर पैसा 500 करके ले जी रहे। मेरा उद्देश्य हमेशा रहा कि वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, हमें एक रुपया तो मुझे किसी के लोभ नहीं, बजरती जो समाज में मुझे जनता ने मुझे इस मौके पे इस मुकाम पे मुझे पहुँचाया, मैं उसे निःशुल्क सेवा करने का मैं उसे काम किया हूँ और करता रहूँगा। यानी कि आप आश्वासन देते हैं जनता को कि अगर आप दोबारा आपको चयनित करता है तो निस्वार्थ भाव से फिर आप बिल्कुल 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 निस्वार्थ भाव में, ये तो जनता भी जान रही है कि हमने बिल्कुल निस्वार्थ पक्ष से काम करता हूँ और करते रहेंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।